डाटा केबल से रिलेटेड एक नॉलेज आपको दे दूं कि ये जो डाटा केबल होती है या फिर आपकी जो चार्जिंग केबल होती है, कभी कभी आपने गौर किया होगा कि ये बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये गर्म क्यों होती है, इसका कारण क्या गर्म होने का? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये गर्म क्यों होती है। वेलकम टू पीसी मीडिया। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम बात करेंगे चार्जर के बारे में। और हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है चार्जर की, तो वो पहली वीडियो थी, उसे जरूर देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि चार्जर में कुछ सिंबल बने हुए होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं आपको कुछ सिंबल। तो चार्जर पे जो सिंबल बने हुए होते हैं, ये सिंबल्स का मतलब क्या होता है ये भी हम जानेंगे। और दूसरा, हम मार्केट से जब भी कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके संग आपको चार्जर फ्री मिलता है या फिर आप ओरिजिनल चार्जर खरीद लेते हैं शुरू में। तो ओरिजिनल चार्जर कभी भी हो, आप गौर करना कि ओरिजिनल चार्जर खराब नहीं होते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि आपको जो उसके संग लीड मिलती है वो लीड खराब हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं पर कट लग जाता है या फिर वो डैमेज हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, आपको नई लीड खरीदनी होती है और आप गलती कर देते हैं नई लीड खरीदते समय। तो आप जब भी नई लीड खरीदें तो ध्यान दें कि नई लीड चार्जर के हिसाब से और आपके मोबाइल के हिसाब से खरीदें, क्योंकि आपके मोबाइल में कुछ एम्पेयर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चार्जर आता है वो आपके एम्पेयर के हिसाब से आते हैं और करंट के हिसाब से आते हैं, वोल्टेज के हिसाब से आते हैं। तो उसी वॉट के हिसाब से आपको लीड भी खरीदनी होती है। ऐसा नहीं कि आप लीड सीधे 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की लीड खरीद लें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये जो लीड दिख रही है 65 वॉट की लीड है। आपको पता है ये लीड कम से कम 350-400 रुपये की लीड आती है मार्केट में, और आप सोचते हैं कि हम 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की लीड खरीद लेंगे और 100-150 रुपये का चार्जर खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप 50,000 का मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं और 1,00,000 का मोबाइल चला रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि इतना महंगा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका चार्जर भी तो थोड़ा महंगा आएगा। तो आपको बता दूं कि बेसिकली जो बहुत महंगे मोबाइल्स आते हैं, जैसे आईफोन आते हैं, उनके 1800-1900 रुपये के चार्जर आते हैं। सैमसंग के फ़ोन आते हैं एस सीरीज़ के, इनके चार्जर 3,500-4,000 के चार्जर आते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग आपको चाहिए होती है और मोबाइल में फीचर होता है फास्ट चार्जिंग का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल फास्ट चार्ज हो सकते हैं फास्ट चार्जर से, लेकिन अगर आप सस्ते मोबाइल यूज़ करते हैं, सस्ता मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो चार्जर यूज़ होगा वो नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज हो सकता है। और फास्ट चार्जर से अगर चार्ज करते हैं तो खराब नहीं होगा, आप फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं उसको, लेकिन फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर वो फास्ट चार्ज नहीं होगा सस्ता मोबाइल। तो देखिए, आप अपने चार्जर पर देख सकते हैं कि कुछ सिंबल बने हुए हैं, कुछ सिंबल चार्जर पर बने होते हैं और कुछ नहीं बने होते हैं, और मोस्ट ऑफ ये सारे सिंबल जो बने होते हैं ओरिजिनल चार्जर पर बने होते हैं। तो आज हम एक एक करके सभी सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे और कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, उसका क्या फ़ायदा है और क्यों उसे बनाया गया है, ये आपको आज मैं बताऊंगा पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सिंबल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, होम सिंबल। तो ये घर की तरह दिखाई देने वाला सिंबल, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। होम सिंबल का मतलब होता है कि आपका जो चार्जर है वो आप घरों में ही इस्तेमाल करें, घर के बाहर की जगहों पर जहाँ हाई वोल्टेज होती है वहाँ पर यूज़ ना करें, क्योंकि घर में एक लिमिटेड करंट रहता है और 220 वोल्ट का करंट होता है। 220 वोल्ट से ऊपर के करंट में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके चार्जर में दिक्कत आ सकती है। नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ओनली फॉर होम यूज। जो बात मैंने बोली वो मैंने आपको लिख के भी दे दी है और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि होम सिंबल का यूज क्या होता है, होम सिंबल का मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं अगला सिंबल जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें 5 सिंबल बने हुए हैं, मैं अब अगले सिंबल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है, एक डस्टबिन बना है जिसमें क्रॉस लगा हुआ है। तो डस्टबिन बना है और क्रॉस लगा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो हम बात करते हैं इस सिंबल की। चार्जर पर डस्टबिन का जो सिंबल बना है, उस सिंबल का मतलब है अगर चार्जर में कोई खराबी आ जाए तो चार्जर को फेंके नहीं, उसे डस्टबिन में न डालें, उसे उसी कंपनी को लौटा दें जिस कंपनी का वो चार्जर है, फॉर रिसाइकल पर्पज। डस्टबिन सिंबल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और अगर आपको इस बात को रिकॉर्ड करना है या नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से लिख के दे दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। तो अगला जो सिंबल है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, तो हमने 2 सिंबल तो देख लिए, अगला जो एक सिंबल दिखा दे रहा है यहाँ पर स्क्वायर का सिंबल दिखा दे रहा है, डबल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर हैं, एक अंदर है और एक बाहर है, तो इसे हम कहते हैं डबल स्क्वायर सिंबल। तो ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर डबल स्क्वायर का जो मतलब होता है वो चार्जर के तार और चार्जर के अंदर जो इंसुलेशन किया जाता है वो डबल किया जाता है, ताकि आपको कोई करंट वगैरह ना लगे। तार के ऊपर वाला लेयर कट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल इंसुलेशन यूज किया गया है। तो ये सिंबल आप अपने चार्जर पर जरूर देख लें, और लोकल चार्जर बिल्कुल ना लें, या तो कंफर्टेबल चार्जर लें, और या फिर हो सके तो बेस्ट आपका जो है ओरिजिनल चार्जर है तो ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें, क्योंकि उसमें डबल इंसुलेशन का सिंबल जरूर बना होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डबल स्क्वायर सिंबल आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अगले सिंबल की, जो इससे चार्जर के बीच में बना हुआ है, जो दिख रहा है एट की तरह कुछ आठ सा बना हुआ है, एट बना हुआ है। तो ये सिंबल जो कहलाता है वो है ISIEC सिंबल। तो ये सिंबल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस सिंबल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि आपका जो चार्जर है वो सभी स्टैंडर्ड टेस्ट जो इसमें टेस्ट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू, उन सभी टेस्ट से गुजरा है और वो सेफ है। तो ये दर्शाता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का चार्जर है और सेफ चार्जर है। तो आप इस तरह के चार्जर को यूज़ कर सकते हैं, और आप ज़रूर देखिए कि क्या आपके मोबाइल के चार्जर में ये सिंबल बना है या नहीं बना है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहा है चार्जर, आपको पता चल जाता है इससे। ये बात मैंने लिख के भी दे दी आपको, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नॉलेज में इस बात को जरूर रखें। तो अगला सिंबल जो दिखाई दे रहा है, इसमें वी बना हुआ है, देखिए। तो वी सिंबल जो बना होता है ये मोस्ट ऑफ ओरिजिनल चार्जर पर ही बना होता है, और या फिर महंगे चार्जर पर बना होता है। तो ये सिंबल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पर जो वी लिखा है इसका मतलब होता है रोमन में 5। तो रोमन में 5 को वी लिखा जाता है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है इफिशियंसी लेवल 5। तो इस चार्जर का जो इफिशियंसी लेवल है वो 5 है, और ये चार्जर जो बनाया गया है बहुत ही सेफ टेक्निक से और बहुत सेफ तरीके से बनाया गया है। तो इस तरह के जो चार्जर होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, थोड़े से वेट में भारी होते हैं। आप कभी भी गौर करना कि आपका जो चार्जर ओरिजिनल चार्जर है वो थोड़ा भारी होगा, और जो एक अदर कंपनी का चार्जर होगा वो आपका थोड़ा हल्का होगा। जो कंफर्टेबल चार्जर होता है वो आपके हल्के होते हैं, या लोकल चार्जर आपके हल्के होते हैं। तो ये मोस्ट ओरिजिनल चार्जर में सिंबल बना होता है। ये जो डेटा केबल दिखाई दे रही है आपको, ये 65 वाट की डेटा केबल है, 65 वाट की आपकी डेटा केबल है। इसमें लिखा भी है 6.5 एम्पियर, इसमें लिखा है 6.5 एम्पियर आउटपुट। तो इसमें एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है 6.5 एम्पियर की अगर आपकी केबल है, तो ये गर्म नहीं होगी, हीटअप नहीं होगी, और ये आपको अच्छा चार्ज करके देगी। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं 65 वाट तक के चार्जर के लिए। आजकल मैं बता दूं कि आपके जो चार्जर आ गए हैं वो चार्जर आपके 120 वाट तक के भी आ गए हैं। तो 120 वाट के चार्जर में अगर आप इस केबल यूज़ करेंगे तो ये केबल फेल हो जाएगी। और हमें कौन सी केबल यूज़ करनी चाहिए और कौन सी केबल यूज़ नहीं करनी चाहिए, अगर आपकी डेटा केबल गर्म हो रही है, अगर आपकी मोबाइल की डेटा केबल गर्म हो रही है, तो ध्यान दें तुरंत उस मोबाइल की डेटा केबल को चेंज कर लें, इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और अगर आपकी कोई ओरिजिनल केबल आप यूज़ कर रहे हैं, ये केबल अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं और उसमें कहीं किनारे से कोई कट लग गया है या मुड़ गई है, या फिर हल्का सा तार वार थोड़ा बाहर निकल गया है, तो ध्यान दें उस केबल को बिल्कुल यूज़ न करें। उससे आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आप तुरंत कोई दूसरी ओरिजिनल केबल खरीदें। एक जानकारी और दे दूं कि अगर आपका चार्जर और लीड दोनों सही काम कर रही है आज, और आने वाले समय में आपको अचानक लगता है कि मेरा जो चार्जर स्लो चार्ज कर रहा है या लीड दिक्कत कर रही है, अगर आपको लगता है कि कुछ चार्जिंग स्लो हो रही है, तो आप सबसे पहले देखें कि आपका जो मोबाइल का चार्जर है अगर वही है पुराना जिससे हम चार्ज कर रहे थे, और लीड भी वही है, तो आप ध्यान दें कि लीड कहीं पर डैमेज तो नहीं है, या फिर लीड कहीं पर बहुत ज़्यादा बेंड तो नहीं हो गई, मुड़ तो नहीं गई है। अगर लीड बहुत ज़्यादा मुड़ गई होगी तो इंटरनली क्या होता है कि उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़्यादा हो जाती है, अंदर कुछ तार कट जाते हैं उसके इंटरनल, तो उससे क्या होता है कि आपके एम्पेयर्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। एम्पेयर कम होंगे तो सीधी सी बात है तार हीटअप करने लगेगा, और उससे क्या होगा कि आपकी चार्जिंग कम हो जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आप चार्जर तो वही रखें, लेकिन आप उसकी लीड अच्छी क्वालिटी की मार्केट से खरीद लें। तो आज आपने जाना मोबाइल चार्जर के बारे में, और दूसरा आपने जाना आज मोबाइल की लीड के बारे में, यानी कि मोबाइल की चार्जिंग केबल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।